अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यूफिट वी टेबलेट के बारे में। क्यूफिट वी टेबलेट के बारे में हम जानेंगे, इसका फुल रिव्यू मैं करूँगा, डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कंपोजिशन सब कुछ बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। क्यूफिट जिसे लिफोर्ड फार्मा द्वारा बनाया जाता है, जो ये सिरप सामने आपको दिख रहा है, इसे लिफोर्ड लिमिटेड फार्मा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है। इसका कंटेंट जो है ये क्लोराफेरामिन मेलेट डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, ये इसका कंटेंट है। फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लोराफेरामिन मेलेट है 2 mg, डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड है 10 mg, फिनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है जो मैंने आपको बताए हैं। इसे 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना रखें और गर्म ज़्यादा ठंड जगह भी ना रखें। ज़्यादा गर्मी में अगर आप रखते हो तो आप ये ख़राब हो सकता है। और कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, यानी सब दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए, कोई भी दवा बच्चों के पास नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बच्चों के पास कोई भी दवा ना रखें। तो हम जान लेते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में। इसका मार्केट प्राइस है 95 रुपये, यानी 95 रुपये में आपको 100 ml ईजिली मिल जाएगा। इसे ख़रीदने से पहले ये आप इसका देख लें कि ये एक्सपायर है कि नहीं, इसका लेबल ज़रूर से चेक करें। कुछ इस तरह के पैक में आता है, ये मेरे घर वाले यूज करते हैं, जो ये खुला हुआ है इसे घर वाले यूज करते हैं, बहुत बेहतरीन काम करता है। तो हम जान लेते हैं काम किस में आता है। काम आता है खांसी में, सूखी खांसी हो, बलगम खांसी हो, जैसे बलगम आता है उसमें भी, गले में खराश हो, सर्दी हो गई हो, उसमें बहुत बेहतरीन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये खांसी में बहुत बेहतरीन काम करता है। इसे एक अडल्ट व्यक्ति को 5 से 10 ml सुबह शाम लेना चाहिए। इसे पीने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह वगैरह ना लें। डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते हो तो आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद सेवन करें। लेकिन इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद लें। तो हम जान लेते हैं कि इसके सावधानी के बारे में, इसका क्या सावधानी है। इसका सावधानी ये है कि लीवर या किडनी संबंधित कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद सेवन करें। जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर से ले लें। इसे पीने के बाद ड्राइविंग ना करें, ड्राइविंग करते तो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। और जो मैंने एक बताया सावधानी बच्चों के पहुँच से दूर रखें, वो तो सही है, बच्चों के पहुँच से बिल्कुल भी दूर रखना चाहिए। इसे पीने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें, कोई भी मेडिसिन हो पीने के बाद अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यही ठीक है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो आपको साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हम जान लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है उल्टी, मतली, दस्त, पेट दर्द, पेट को मतलब सर दर्द हो सकता है हल्का, और खुजली आपके शरीर में हो सकती है, लाल चकत्ते निकल सकते हैं, दाने हो सकते हैं, ये इसका कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर आपको ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, उसके बाद इसका सेवन करें। और कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं आप अगर आप डॉक्टर की सलाह वगैरह नहीं यूज करते हो तो। तो ये था हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर से करें। हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लें, जो हमारा इंस्टाग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो ज़रूर से कर लें दोस्तों। थैंक यू।